मैसेज में क्या पूछ रहे हो? चलिए, तो मैंने आपको बताया कि अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 6, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, शॉर्ट में मैं इसको सी एंड डी वर्ड यूज कर लूंगा, ठीक है? चैप्टर नंबर से सी एंड डी। तो अगर हम इसके बेसिक की बात करें तो याद करिए, जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर जो 13 था हमारा, उसमें आपने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड देन आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? कंसेप्ट ऑफ लिमिट जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने लिमिट्स की एग्जिस्टेंस पढ़ी थी, राइट? और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या थी कि जो लिमिट होती है वो मतलब कोई भी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है? सो व्हाट वाज द रूल? द रूल वाज इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट जस्ट बिफोर लेफ्ट ऑफ दैट पॉइंट एंड जस्ट आफ्टर दैट पॉइंट, मतलब अगर मान लीजिए मुझे x बराबर a पे लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है किसी भी फंक्शन एफ एक्स, मीन्स लेट कर लिया हमने कि एफ एक्स कोई भी रियल फंक्शन है, एफ बी यानी रियल फंक्शन इन द सबसेट ऑफ रियल नंबर, और उसी रियल नंबर में से मैंने कोई भी एक पॉइंट ए मान लिया, ठीक है? अब उस पॉइंट ए के लिए हमें ये चेक करना होता था कि वो जो फंक्शन है उस फंक्शन की क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक? तो उसके लिए हमारा सिंपल सा ये रूल था कि हम उस पॉइंट के जस्ट बिफोर मतलब थोड़ा सा पहले, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे हम बोलते थे, और सिमिलरली हम फाइंड आउट करते थे राइट हैंड लिमिट जो होती थी जस्ट आफ्टर दैट पॉइंट, स्लाइटली आफ्टर, मीन्स अगर ए की वैल्यू सपोज 1 है तो हम 1.001 पे चेक करेंगे, दैट इज आरएचएल, और हम 0.99 पे चेक करेंगे, दैट इज एलएचएल, ठीक है? बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, और अगर इन दोनों पे हम चेक करते थे वो इक्वल आती थी तब हम लिखते थे कि यस लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है? तो ये कंसेप्ट आपने लिमिट्स का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है? उसी कंसेप्ट, और डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ, उसी कंसेप्ट को हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेसिकली पहले हम जानेंगे कि कंटिन्यूटी है क्या, ठीक है? फिर बाद में डिफरेंशिएबिलिटी समझेंगे। तो कंटिन्यूटी को, और हाँ, इस चैप्टर में बेसिकली आपको ना कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी समझना है, देन आपको कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझना है कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है? और कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या है और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी को समझने के लिए, तो कंटिन्यूटी को टच में लाने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ पहले, ठीक है? सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया यहाँ पे, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइंड एज तो हमने एफ एक्स को कोई एक फंक्शन कंसीडर कर लिया जो इस तरह से कुछ डिफाइंड है, ठीक है? इसकी वैल्यू है कि एक्स ग्रेटर और देन जीरो, ग्रेटर देन और जीरो पे डिफाइंड है कुछ, और लेस देन जीरो के लिए भी डिफाइंड है, ठीक है? मतलब सभी रियल नंबर के लिए वो डिफाइंड है, ठीक है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो वैल्यू डिफाइंड है वो एफ एक्स की वैल्यू है मान लेते हैं हम 2, और यहाँ पे जो डिफाइंड है वो हमने मान लिया 3, ठीक? क्लियर? ये कोई फंक्शन है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल लुक लाइक ग्राफ, तो आपको सभी को मालूम है ड्रॉ करना, मैंने बता भी रखा है कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम 2-3 पॉइंट्स को कंसीडर करके ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सभी रियल नंबर्स की हो रही बात, ये वाई की वैल्यू है तो जो नेगेटिव है ही नहीं, राइट? तो हम
एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू कितनी? 3। एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 0, वाई अगेन 3, मतलब वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव एक्स यहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ कहीं है 3 वैल्यू, तो वो ये कुछ इस तरह का हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, राइट। फिर 0 से स्मॉल होते ही ये वैल्यू आ रही है 2 के बराबर, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे 0 से लेफ्ट होने के लिए डिफाइन कर दिया, जो वैल्यू है 2, करेक्ट। अब ये एग्जैक्ट 0 पे ओपन रख रखा है, इसको ओपन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो इंक्लूड है 3, मगर 2 जो है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो हमने आई बात, ये हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, ये हमें फंक्शन का ग्राफ मिल गया, और ये जो डेफिनेशन थी फंक्शन की, जिस तरह से वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में जैसे एल्जेब्रिकली डिफाइंड है, वो लिखा हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन को, तो दो चीजें समझो कॉन्टिन्यूटी के लिए। पहली बात कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर किया, मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया मैंने इधर -1, ठीक है, क्या -1 के लिए इस फंक्शन, ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस होगा? तो हम चेक करते हैं, -1 कहीं इधर होगा, ठीक, +1 कहीं इधर होगा, 2 इधर होगा, 3 एंड सो ऑन, ठीक। ये मैंने कंसीडर किया। अब देखो 1 की अगर मैं बात करूं, +1 की, तो y की वैल्यू क्या है? 3 है ना, यहाँ पे लिखते हैं एट एक्स बराबर 1। अगर मैं बात करूँ एल एच एल, तो वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, सॉरी 1 से थोड़ा सा पहले, 1 से थोड़ा सा पहले, तो वैल्यू तो 3 है ना अभी भी, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 पे चेक करना है ना, तो 0.99, ठीक। फिर मैंने आर एच एल को चेक किया, ये भी 3 है, इस पे चेक करके देख लिया, अभी भी 3 है ना। फिर मैंने एफ एग्जैक्ट 1 पे चेक किया, वो भी तो 3 है ना, इस केस के लिए तो ये है, ठीक। दूसरा केस मैंने इधर कंसीडर किया एट एक्स बराबर -1, अब मैं एल एच एल देखूँ तो कितना है, आर एच एल देखूँ वो कितना है। अगर हम -1 पे चेक करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 से और थोड़ा सा माइनस हो जाओ, तो वो वैल्यू है अभी भी 2, और एक्स कितना है? -1.001, ठीक, लेफ्ट होने दो, राइट जा रहे हैं तो भी 2 ही है, अब कितना हो जाएगा, माइनस का 0.99 हो जाएगा, ठीक। और एफ -1 कितना है? ये भी 2 है। तो हमने जो ये दो केस लिए, ठीक, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, लिमिट के थोड़ा सा पहले, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा आगे, और बराबर उस पॉइंट पे, तीनों वैल्यू इक्वल है। इसको कंसिडर किया, वो भी तीनों इक्वल है ना। अब हम कंसिडर करते हैं पॉइंट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0, एल एच एल की वैल्यू क्या है? एल एच एल मतलब जहां पे एक्स की वैल्यू 0 से कम हो जाए, 0 से कम होने का मतलब -0.001 टाइप है ना, 0 ये पॉइंट है, इससे थोड़ा सा लेफ्ट आ गए हम, थोड़ा सा लेफ्ट आती वैल्यू तो 2 हो गई ना, ठीक। आर एच एल यानी एक्स की वैल्यू अब 0.001 है, मतलब थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो गए, तो 3 है, ठीक। और एफ 0 वो भी 3 है, जिस टाइम एक्स की वैल्यू बराबर 0 है, ठीक। तो जो मैंने तीन केसेस कंसीडर किए, इन तीन केस को आप ध्यान से देखो, इसी से हमें समझ में आ जाएगी डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो हमने ये देखा -1 का केस, तीनों वैल्यू बराबर है, 1 का केस अगेन तीनों वैल्यू बराबर है, 0 का केस नहीं है बराबर,
कोई दो वैल्यू इक्वल है मगर एक वैल्यू अलग है ना। आर एच एल और एट एग्जैक्ट पॉइंट बोथ आर सेम बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, करेक्ट। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा, दो दो डेफिनेशन हमें यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। एक एक्चुअल डेफिनेशन की तरह ही है और दूसरा हम उससे ग्राफ से ड्राइव कर रहे हैं दूसरी जो स्टेटमेंट है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है कि अगर एफ एक्स कोई भी रियल नंबर हो, सॉरी कोई भी रियल फंक्शन हो जो डिफाइंड हो किसी भी सबसेट, रियल नंबर की किसी भी सबसेट के लिए, ठीक है, और उसी सबसेट का कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर लें, ए या सी कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें, तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा केवल और केवल तब जब एल एच एल, आर एच एल और एफ सी, अगर हम सी पॉइंट कंसीडर कर लें तो वो तीनों बराबर हो। या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो आप। देखो डेफिनेशन वन, क्या डेफिनेशन है कि एफ एक्स, ये सब ऊपर मैं लिख चुका हूँ कि एफ एक्स कोई भी रियल नंबर, या चलो एक बार लिख देते हैं एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मत कहिए फॉर एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, मतलब एक्स किसी भी सबसेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। देन एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एफ एक्स को हम कंटिन्यूअस कब कह पाएंगे? याद करिए आपने 11th क्लास में लिमिट के कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि अगर एल एच एल ये वैल्यू और अगर आर एच एल ये वैल्यू, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो वही वैल्यू, मतलब ये दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड देन दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ठीक है, मतलब लिमिट एट दैट पॉइंट राइट फॉर द फंक्शन। अगर एफ एक्स के लिए हम ए पे चेक करते थे तो हम क्या चेक कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों कोइंसाइड कर जाती थी तब हम बोलते थे कि यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू इतनी है, ठीक, और नहीं एग्जिस्ट करती थी मतलब वो दोनों नॉट इक्वल होते थे, करेक्ट। तो अभी इस केस में दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इसकी वैल्यू एफ सी के बराबर हो जाए। आई बात समझ में? क्योंकि एल एच एल आर एच एल को हम कंबाइंड करके यही तो बोलेंगे कि वो फंक्शन की वैल्यू नहीं है, फंक्शन के किसी पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू है, तो ये लिमिट की वैल्यू हो गई। और एक्चुअली किससे कोइंसाइड करनी चाहिए, ये उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के साथ कोइंसाइड हो जानी चाहिए, तो वही हमने एक डेफिनेशन में इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये डेफिनेशन है, इसी को अगर हम थोड़ा सा और एलेबरेट करें तो वो डेफिनेशन टू, या हम डेफिनेशन टू बोल सकते हैं उसे, लेकिन एक्चुअली वो इसी से ही डिफाइन हो रही है। तो जो सेकंड हम लिख सकते हैं एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन फॉर एनी सबसेट ऑफ आर देन एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो इसी में मैं और करके लिख देता हूँ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ सी। दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है। सेकंड, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू, एफ सी मतलब एट एक्स इज इक्वल टू सी द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, ऑल दीज थ्री वैल्यू मस्ट कोइंसाइड इन ऑर्डर टू अ फंक्शन, इन ऑर्डर टू बिकम कंटिन्यूअस फॉर ए फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन कैसा हो जाए कंटिन्यूअस हो जाए, तो उसकी केवल और केवल मेजर कंडीशन ये है, यही है दोनों कंडीशन, इसी को हमने थोड़ा सा एलेबरेट किया तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है अगर, अब कंटिन्यूटी क्या है,
अगर हमने कोई फंक्शन चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उस कंटिन्यूअस चेक करने की जो प्रोसेस है उसे ही कंटिन्यूटी बोल देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है हमारा कंटिन्यू होने का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो कंटिन्यूटी चेक करने का मीनिंग यही है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड, मतलब जो प्रोसेस है ना कंटिन्यूअस चेक करने की, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो ये है कंटिन्यूटी, और किस तरह से चेक करोगे, इस तरह से। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एक एग्जांपल लिया जिसमें आप देख रहे हैं कि LHL RHL लिमिट दोनों कोइंसाइड कर चुकी है, मगर ये सॉरी लिमिट कोइंसाइड नहीं हुई, लेकिन ये वैल्यू एक वैल्यू के साथ कोइंसाइड कर गई, लेकिन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा ही हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब पूरे ये नेगेटिव नंबर के लिए और पॉजिटिव नंबर के लिए बिल्कुल सेम है, मगर एग्जैक्ट पॉइंट पे डिफरेंट है, तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई कंटिन्यूटी के लिए कि क्या है कंटिन्यूटी। तो बेसिकली कंटिन्यूटी इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ फंक्शन कंटिन्यूअस और नॉट। ठीक है, ये है कंटिन्यूटी। अब हम बात करते हैं कि ग्राफ से हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ग्राफ बना हुआ है ना, और हमसे ये पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो भी हम देख सकते हैं वो कैसे। तो ग्राफ से हम ये, यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये पता लग रही है कि देखो जो मैंने -1 पॉइंट कंसिडर किया था, तो -1 पॉइंट के अराउंड अगर हम ग्राफ बनाए, तो क्या हमें पेन को एक बार भी लिफ्ट करना पड़ा पेपर पे से? अगर हम यहाँ तक का, मतलब फॉर नेगेटिव नंबर्स इफ आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ, देन देर इज नो नीड टू लिफ्ट द पेन फ्रॉम द पेपर। ठीक है ना, यही तो हो रहा है कि अगर हम ये वाला ग्राफ बना रहे हैं तो हमें पेपर से पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंटिन्यू एक स्मूथ लाइन हमने ड्रॉ कर दी। सेम यहाँ पे भी ऐसा हुआ, 0 से मतलब राइट साइड मींस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देन देयर इज स्टिल नो नीड फॉर लिफ्टिंग ऑफ लिफ्टिंग अ पेन फ्रॉम द पेपर। ठीक, देयर इज नो नीड। बट एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे आप देखो तो 0 पे आपको पेन एक बार जरूर लिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्विच हो गई ना, वैल्यू चेंज हो गई है, शिफ्ट हो गया ग्राफ। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं ग्राफ देख के कि अगर हमें बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर हम बिना मतलब फ्लो में ग्राफ बना दें, तो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, बट इफ वी नीड टू लिफ्ट द पेन फ्रॉम द पेपर वाइल ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन द फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये है जो आप ग्राफ से और इस तरह समझ सकते हो, बट डेफिनेशन ध्यान रखिएगा ये। अब हमारे ऊपर कैलकुलेशन करने का वो आएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करें, वो भी सीखेंगे अभी। तो कंटिन्यूटी चेक करने का जो तरीका है वो इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। LHL RHL आपको पहले से मालूम है कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बस एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिससे आप समझ जाएंगे इस बात को कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्राफ बनाने की नीड नहीं होगी कि आप सोचे ग्राफ बनाना होगा, जी नहीं, ग्राफ बनाने की कोई नीड नहीं है। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे फंक्शन की डोमेन क्या बताई गई है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर का कोई भी वो सबसेट है, तो इस सबसेट में मान लीजिए कोई भी पॉइंट, एक भी पॉइंट ऐसा अगर नहीं है कि जिसके लिए फंक्शन जिसके लिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही हो, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। समझ में आई बात? मतलब fx पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर कंटिन्यूअस होता है सभी पॉइंट्स के लिए उसके लिए। ठीक, दूसरी बात जैसे ये है,
इस ग्राफ को देखो ध्यान से आप, इस डोमेन के लिए कंटिन्यू, मतलब डोमेन के सबसेट के लिए, डोमेन तो ये पूरा है ना, इस सबसेट के लिए कंटिन्यूअस ऑलवेज, इस सबसेट के लिए ऑलवेज कंटिन्यूअस, लेकिन बराबर जीरो के लिए क्या वो कंटिन्यूअस था? जी नहीं, बराबर जीरो होने पे वो कंटिन्यूअस नहीं था फंक्शन, है ना। तो जो बराबर जीरो वाला पॉइंट था, इसको हम फिर बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन वेयर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, और नॉट कॉन्टिन्यूअस को हम डिसकॉन्टिन्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। फंक्शन के डोमेन में कोई भी पॉइंट जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस ना हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। सभी जगह, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसलिए उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो एक तो जनरल आ सकता है क्वेश्चन, मतलब केवल एक सिंपल क्वेश्चन लिख दिया गया और बोला जाएगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अभी हम कुछ थ्योरम भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, अब वो जब थ्योरम पढ़ लेंगे, उनके स्टेटमेंट जब हमें याद हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कोई फंक्शन डिफाइंड कर दिया गया और फिर बोला जाएगा कि एट एक्स इक्वल्स टू दिस पॉइंट चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, ठीक है। तो ये है कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक। अगर मैं मान लीजिए एक एग्जांपल यहीं पे कंसीडर करूँ, ठीक है, एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ इधर ही, केवल समझने समझने के लिए। चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर, चेक क्वांटिटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें 0 पे चेक करना है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, हमें x बराबर जब 0 होगा उस पे चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप? अब वही बात कि हमारे पास, हम इस रूल को यूज करें या इस रूल को यूज करें, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब इस तरह से फंक्शन डिफाइंड हो जिसमें केवल एक सिंगल फंक्शन डिफाइंड किया गया है, सिंगल फंक्शन का मतलब देखो क्या है, ये जैसे ये है, इसको ध्यान से देखो तो फंक्शन है ना एक नहीं दो तरह से डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि डोमेन उसकी स्प्लिट हो रही है, यहाँ पे डोमेन स्प्लिट नहीं हो रही है, समझ में आ रही बात? यहाँ पे आप देखेंगे तो डोमेन स्प्लिट नहीं हुई, डोमेन मतलब सारे रियल नंबर की बात हो गई, लेकिन इसमें इस केस को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डोमेन स्प्लिट हो रखी है, आपको दिख रहा है क्लियरली, वहां पे विजिबल है कि जो डोमेन है उसके दो पार्ट्स हो रखे हैं और उन पार्ट्स के लिए फंक्शन भी अलग अलग तरह से डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर ऐसा फंक्शन आए जब वो एक से ज्यादा उसके एक्सप्रेशन लिखे हों, तो आप हमेशा इस कंसेप्ट को यूज करेंगे एलएचएल आरएचएल वाले को, इसको सॉरी, ठीक है। और जब केवल सिंगल डिफाइंड हो जैसे ये वाला था, तो हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगता और इसमें 3 स्टेप शो करने पड़ते हैं, ठीक है। और आपको वैसे भी पता है कि एलएचएल आरएचएल एक्चुअली ये वैल्यू ही होती है, ठीक है ना। तो इस केस में हमें ये चेक करना है, तो हम जब इसको चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो क्या देखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे चेक करना है हमें? 0 पे, तो एक्स टेंड्स टू 0 लिखोगे आप और एफ एक्स लिखोगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, आप एक्स की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो देखो इसकी वैल्यू आ चुकी है 0 के इक्वल, राइट। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट जब हमने अप्लाई की तो वो 0 ही आ रही है। आप चाहो तो एल एच एल आर एच एल से भी सॉल्व करके देख लोगे, 0 ही आएगा, ठीक
इसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करना होता है हमको? नेक्स्ट हमें जो चेक करना है वो एफ सी, मतलब एफ जीरो चेक करना है। नाउ एफ जीरो मीन्स जीरो स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा, ठीक है। वो जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गई। इसका मतलब यहाँ पे आपने देखा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ जीरो, है ना? ये वैल्यू इक्वल, ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल आई है। तो अब हम क्या लिख देंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन राइट दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो, ठीक है। तो हमने ये रीजन लिख दिया कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है जब एक्स की वैल्यू जीरो है उस पॉइंट पे, ठीक। तो ये हमें, ये मतलब इस तरह के सिंपल से एग्जांपल गिवन होंगे, तो वो आप वैल्यू पुट करके और लिमिट की वैल्यू चेक करके, इफ बोथ आर इक्वल देन वी कैन राइट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये हम चेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुई बात? ठीक। या ये जितनी चीज मैंने एक्सप्लेन की, इसमें किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? ध्यान रखिएगा जो चीज़ें बताई गई इम्पोर्टेंट, ये डेफिनेशन है फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए, ये भी ठीक। और एक और चीज़ क्या बताई, वो ग्राफ वाली बात, कि अगर हमें बिना पेन उठाए, पेपर से बिना पेन उठाए ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा, जहाँ तक हमने बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ किया है वहाँ तक। समझ में आ रही बात? लेकिन जिस मोमेंट पे हमें पेन उठाना पड़ गया तो फिर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूटी का जो कंसेप्ट है वो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अभी कुछ पूछना हो, कोई स्टेप पूछनी हो या कुछ ग्राफ से रिलेटेड पूछना हो किसी को भी है? ग्राफ ही समझ में नहीं आया तुम्हें? ग्राफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? ये तो ग्राफ हमने कंसीडर किया है ना, ये फंक्शन हमने कंसीडर किया है कि एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है हमेशा, ठीक, और जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है हमेशा। आई बात समझ में? अब एक्स की वैल्यू 1 रखें, 1 कैसा है, पॉजिटिव है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब भी एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगी तो फंक्शन की वैल्यू तो 3 है ना, तो वाई की वैल्यू मतलब एफ एक्स मतलब वाई होता है, यानी वाई 3 है, तो हमने वाई की जगह 3 बना दिया, तो 3 कहाँ होगा, इन सभी पॉइंट्स के लिए 3 है ना हमेशा, मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक हमेशा वो 3 है। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 3। समझ में आ रही बात? फिर जब एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब 0 से जैसे लेफ्ट होंगे नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये सारी वैल्यूज नेगेटिव वाली हैं, यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी यहाँ के लाई कर रहा होगा, तो यहाँ तक ग्राफ जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। तो हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया एक एस स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज शोइंग वाई इक्वल टू 2। समझ में आई बात? तो ये वैल्यू वाई की 2 हो गई, ठीक। तो बस ग्राफ तो ऐसे ड्रॉ करना है आपको, फंक्शन अगर डिफाइंड है, अगर आपको फंक्शन बता दिया गया है कि क्या है, तो ग्राफ केवल आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ के लिए कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये ध्यान देना है डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है, बस। तो जब ग्राफ डिफाइंड होगा वहां पे डोमेन और रेंज दोनों ही डिफाइंड होंगी, क्योंकि इस तरह से फंक्शन लिखा होगा। समझ में आई बात? ठीक है। और हमेशा ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ये तो केवल कंसेप्ट समझने के लिए बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे, एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसको एल्जेब्रिकली कैलकुलेट करना होगा, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। और रही ग्राफ ड्रॉ करने वाली बात, तो वो कंसेप्ट समझने के लिए था, तो इसलिए एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। अगर मान लो मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूँ एफ एक्स बराबर के, है कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर, समझ रहे हो,
एफ एक्स क्या हो गया, के इज एनी रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट है ये, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब फंक्शन डिफाइंड है सभी रियल नंबर के लिए, मतलब डोमेन पूरे रियल नंबर्स हो गए, ठीक। तो जब पूरे रियल नंबर्स अगर डोमेन है, तो हम जब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा बनेगा, और के की वैल्यू मान लेते हैं पॉजिटिव है, ठीक। तो बेटा जब उसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे ना, तो वो ग्राफ तुम्हें कुछ इस तरह का दिखेगा। सपोज यहाँ है के की वैल्यू मान लेते हैं, तो इस तरह का ग्राफ दिखेगा, जैसे ये रखा हुआ है ना, मतलब यहीं पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह का। ये है वाई बराबर के, आई जोन में, ठीक है, और ये डार्क लाइन होगी, मैंने तो डॉटेड करके शो किया है केवल आपको, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन होगी डार्क, मतलब हमने स्केल रखा और एक लाइन खींच दी। तो ये है एक्स बराबर के, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू। अब अगर हम इसकी बात करें, तो कंसेप्ट से अगर इसको समझें, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा, बताओ क्या ये कंटिन्यूअस होगा। तो दो जो कंसेप्ट बताए, दोनों देखो, क्या ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना पड़ा? जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन सीधे खींच दी ना, हमें ऐसा तो नहीं करना पड़ा कि इस मार्कर को मैंने बोर्ड से हटाया हो एक बार भी, बिल्कुल नहीं हटाया, सीधे एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम उसके थ्रू समझें तो भी कंटिन्यूअस। दूसरा, अगर हम इसके थ्रू समझें कि अगर हम लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करें किसी भी पॉइंट पे, मान लो जीरो पे भी देखेंगे, तो जीरो से लेफ्ट के है वैल्यू, जीरो से राइट के है वैल्यू, बराबर जीरो पे वहाँ भी के है वैल्यू, वन पे देखेंगे लेफ्ट राइट इक्वल के, मतलब सब जगह ही के है, वो हमेशा कभी वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। तो ये फंक्शन फिर कैसा माना जाएगा, कंटिन्यूअस माना जाएगा, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअस है। और इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूअस एवरी वेयर, ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है। तो ये एक थ्योरम भी है, ठीक है, थ्योरम धीरे धीरे हम एक एक करके मैं लिखवा दूंगा, वो आपको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना होगा, क्योंकि उनका यूज करेंगे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने में। क्वेश्चन जैसे आता है ना कि एक फंक्शन दिया होगा, बोला जाएगा चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और कुछ बताया नहीं जाएगा कि किस पॉइंट पे चेक करना है, मतलब हमें सारे रियल नंबर्स की बात हो रही होगी वहाँ पे, जैसा फंक्शन डिफाइंड होगा अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी उसकी डोमेन होगी उसके लिए हमें चेक करना होता है, ठीक। तो कंटिन्यूअस ये चीज ध्यान रखना। रंजन, अभी कोई डाउट तो नहीं है ग्राफ के लिए कि कैसे ड्रॉ करना होता है, किस तरह से ड्रॉ करना है, वो जो भी फंक्शन डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी चेक कैसे करना है, सिंपल सा रूल है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? बोलो, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है? नहीं है बेटा, आज मैं आपको ना एक असाइनमेंट सेंड करूंगा अभी, जिसमें होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक, जो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था ना उसके, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे कुछ, उनको फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा उसे, ठीक, तो वो सभी स्टूडेंट्स कीजिएगा उसे सॉल्व, क्लियर। ठीक है, डिस्कनेक्ट करिए क्लास।